हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो सेशन में। और दोस्तों, इस नए वीडियो सेशन में आज हम बात करेंगे UPTET एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतना लेट क्यों? तो फ्रेंड्स, इतना लेट इसलिए कि इस बार हम कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहते थे। लगभग एक सप्ताह एग्ज़ाम को होकर बीत चुका है। तो फ्रेंड्स, एक सप्ताह में हमने रेगुलरली दोस्तों, हमारी टीम ने, हमारे जो भी साथी हमसे जुड़े हैं, उन्होंने दोस्तों फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, और फ्रेंड्स ये कहें कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, दोस्तों हर जगह जहां से भी हमको सोर्स के माध्यम से पता चला है, हमने सभी साथियों का स्कोर जानने की कोशिश की है। जनरल, OBC, SC, ST, हैंडीकैप्ड, EWS, गर्ल्स, बॉयज, दोस्तों हर किसी के मेरिट को, हर किसी के स्कोर को हमने जानने की कोशिश की है। और कोशिश किया कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा साथियों की मेरिट का हमको पता चले। उससे दोस्तों निष्कर्ष ये निकलता है कि अभी तक के हमारे सर्वे के अनुसार पता चला है कि UPTET इंग्लिश में दोस्तों 90 प्लस स्कोर करने वाले, यानी 125 से 90 प्लस करेक्ट क्वेश्चन करने वाले दोस्तों ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। और फ्रेंड्स, ये निष्कर्ष केवल यही नहीं, ये निष्कर्ष हमने निकाला है अपने जो हापुड़ के, हमारे आसपास के साथी हैं, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, दोस्तों बुलंदशहर, और यहाँ तक कि कानपुर साइड के, इलाहाबाद साइड के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उन सभी से दोस्तों हमने पता करने की कोशिश की है। बरेली से बहुत सारे साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और पीलीभीत, बहराइच, बहुत सारी जगह से दोस्तों हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो हमने उनका स्कोर जाना, उनके माध्यम से जो उनके सर्किल में दोस्तों उनके आसपास के लोग थे, उनका स्कोर जाना। और तो उससे पता चलता है दोस्तों, पेपर जितना आसान देखने में लग रहा था, पेपर उतना आसान नहीं था। और उस सब के सर्वे से दोस्तों ये निष्कर्ष निकलता है कि जो ज़्यादातर संख्या है, यानी अगर 90% कैंडिडेट्स को देखें, तो दोस्तों 90% कैंडिडेट जो है 80 और 90 के स्कोर के बीच में सिमट हुए हैं, जो फाइट में हैं। और यही नहीं कि फ्रेशर दोस्तों, जो साथी अब से 3-4-5 बार TGT PGT का इंटरव्यू दे चुके हैं, और जो लोग बहुत लंबे समय से दोस्तों तैयारी कर रहे थे, वो भी जो है 80 या 90 के बीच में ही सिमटे हुए हैं। और दोस्तों उसका बड़ा कारण ये है, देखिए 2016 का जो एग्ज़ाम था दोस्तों, उसको टफ माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों ये कहें कि 2016 का एग्ज़ाम टफ था, लेकिन वो एग्ज़ाम सिलेबस के अनुसार था। फ्रेंड्स, अभी तक के सर्वे के अनुसार ये पता चलता है कि अगर हम देखें तो आपने डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक को पढ़ा है, SK अरोड़ा जी की बुक को पढ़ा है, यूथ पब्लिकेशन को पढ़ा है, या दोस्तों मार्केट में जो अवेलेबल सोल्ड पेपर थे या अनसोल्ड पेपर थे दोस्तों, आपने उनको पढ़ा है, ठीक फ्रेंड्स। और यदि हम देखें उन किताबों में जो प्रश्नों की संख्या थी, उन प्रश्नों में से बहुत कम प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। यानी जैसा प्रश्न पत्र इस बार आया है, ऐसे प्रश्न पत्र की एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं की थी दोस्तों। इसके साथ एक चीज़ जो है और पक्ष में जाती है हमारे, और फ्रेंड्स वो चीज़ ये है कि अभी जो तदर्थ शिक्षक हैं वो जुड़ने बाकी हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो 2013 की तरह जो वेटिंग लिस्ट थी, या उसमें जो नए वेटिंग लिस्ट भी जुड़ेगी, तो मेरिट जो है बहुत नीचे जाएगी, और लगभग जो है ये कहें कि बहुत कम मेरिट वालों का भी जो है चांस इस भर्ती में सेलेक्ट होने के बन रहे हैं। दोस्तों ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, ये 2, 3 और 4 पे दोस्तों, ये प्रशिक्षित जो स्नातक शिक्षक हैं अंग्रेजी के हैं, ये बालक वर्ग में और ये बालिका वर्ग में। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं, जनरल की जो सबसे लास्ट मेरिट थी वो 355 के समथिंग थी। और दोस्तों यदि हम 355 को यदि देखते हैं, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि लगभग जो है आपके जो बनेंगे ये, तो दोस्तों यदि हम 355 को आज की डेट में 4 से डिवाइड करते हैं, तो लगभग हमें मिलता है कि 89 क्वेश्चन के समथिंग जो है, जो लास्ट मेरिट थी वो गई थी। उसी प्रकार से आप यहां से OBC की देख सकते हैं, OBC की 336, अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है क्वेश्चनों का नंबर यहां से पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से OBC में अगर हम पाते हैं, तो हमको पता चलता है कि लगभग 84 जो है वो लास्ट OBC कैटेगरी में मेरिट गई थी।
उसके साथ साथ दोस्तों ऐसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 317 जो है लास्ट मेरिट थी, तो इसमें लगभग 79 जो मार्क्स थे दोस्तों, जो 79 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे उस पर जो है मेरिट गई थी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और जबकि 2016 और दोस्तों इस पेपर में बहुत अंतर है, तो यहाँ से हमें दोस्तों एक ही निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों निष्कर्ष ये निकलता है कि लगभग एससी कैटेगरी हम कहें कि तो मेरिट हो सकता है कि 75 मार्क्स तक जो है दोस्तों गिर जाए। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स का जो दोस्तों नंबर है वो लगभग जो है 80 मार्क्स तक, यानी जो 80 मार्क्स किए हैं हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। और फ्रेंड्स यहाँ पर 88 जो है जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, अगर हम प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ को ही देखें, जबकि इस बार दोस्तों पहले से वैकेंसी जो है वो डबल है। ठीक फ्रेंड्स, तो उस चीज़ को देखते हुए और पेपर का स्टैंडर्ड भी पहले से डिफ़िकल्ट है, जो पेपर आसान लग रहा था पेपर उतना आसान नहीं रहा। अब क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड भी दोस्तों डिफ़िकल्ट है और वैकेंसीज का जो नंबर है वो भी डबल है, तो डेफिनेटली जो मेरिट है दोस्तों वो काफ़ी नीचे जाने की संभावना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, कोविड-19 के चलते अप्रैल और मई के महीने में कोविड-19 के चलते जो मेरिट थी दोस्तों, जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स थे दोस्तों, वो काफ़ी प्रभावित हुए और हो सकता है कि उस समय जो है ज़्यादातर कैंडिडेट्स की जो है तैयारी बहुत अच्छी नहीं रही हो। तो फ्रेंड्स उसी चीज़ को देखते हुए ये श्योर हो चुका है कि 75 तक जो है एससी कट ऑफ जा सकती है। 75 नहीं तो दोस्तों ये समझ लिए कि 77 से 78 जो है पक्का, इतनी तो मेरिट दोस्तों गिरेगी। और इसको अगर हम 80 भी ना मान के दोस्तों 82 भी माने तो तब भी जो है काफ़ी हद तक जो है बहुत अच्छे जो है चांस सभी के आने के रहेंगे। और 88 to 90 जो है दोस्तों डेफिनेटली जनरल की मेरिट गिरेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सुझाव हो तो आप निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी दोस्तों हम एलटी ग्रेड और जो जूनियर सुपर टेट होने वाला दोस्तों उसकी तैयारी भी जो है शुरू करवाने वाले हैं। धन्यवाद।